हेलो दोस्तों, आज हम कैनवा का यूज जानेंगे। कैनवा से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज कैनवा से यूट्यूब कवर पेज, यूट्यूब का जो बैकग्राउंड होता है पीछे का, हम कवर पेज जो इसे बोलते हैं, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं अभी अपने कैनवा को खोलता हूँ, जैसे मेरे पास ये कैनवा है, वो भी मोबाइल से। आज हम जानेंगे मोबाइल से कैनवा का यूज कैसे किया जाता है। जैसे मेरे को यहाँ पे सर्च में जाएंगे यूट्यूब कवर, जैसे आप यूट्यूब कवर डालोगे तो कवर के बारे में बना के दे देगा। अब यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट आ गए बहुत सारे। यहाँ से जो भी हम टेम्पलेट देखेंगे उसको हम बना सकते हैं। जो इसमें आप देखेंगे किसी पे पेड़ लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इस पे पेड़ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये पेड़ है, यानी इसमें पैसा डाल के पैसा से खर्च करना पड़ेगा आपको, तब इसको एडिट कर सकते हैं। अगर मैंने ये नहीं करना, हमें फ्री वाला करना है, तो यानी स्टार वाला कोई भी हम यूज कर सकते हैं। हमें ये अच्छा लग रहा है, हम भी इसको बनाना चाहते हैं। जब अभी ओपन हो रहा है, एक मिनट का समय लगेगा। जैसे हमारा ये कवर हो चुका है ओपन, ठीक है, अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमें जैसे एक चैनल का नाम है, तो मैं चैनल का नाम डालना चाहता हूँ अपना, नित्या@nitya5। जैसे मेरे चैनल का नाम है, ये है 5, ओके, ये मेरे चैनल का नाम आ गया। और मैं इसमें डालना चाहता हूँ, एक मिनट, जैसे ये है, इसको हम अपना अभी उठा देते हैं। तो जैसे मेरे को फ़ोटो डालना है इसमें, तो मैं फ़ोटो डालता हूँ, जाऊँगा मैं अपलोड में, यहाँ मेरे फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। सॉरी, जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, और इसको हम, जैसे हमारा सेट चेंज हो रहा है, तो हम इस पे जाके सेट को आपको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, और हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटा दिया। इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा करेंगे, सॉरी, ये फुल साइज हो चुका है। फॉन्ट को हम थोड़ा सा अलग टाइप में करना चाहते हैं, ये हमने कर दिया। जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने अपने ये चैनल का नाम डाल दिया, और सब्सक्रिप्शन दे दिया, घंटी भी दे दी, बेल आइकन दे दिया, और इसमें इसमें आपका मैं वो डालना चाहता हूँ लाइक का, सॉरी, एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में जाके हम यहाँ लाइक लिखेंगे। लाइक लिख दिया आपने, तो आपको उसलिए लाइक का थंब आ जाएगा, और लाइक का थंब आ जाएगा तो हम उसको उठा के ऐसे रख सकते हैं। अपना सेट करने का होता है, जैसे आप चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे यहाँ ये अच्छा लग रहा, थोड़ा सा सेट करेंगे, सेट कर दिया हमने, अब हमें अच्छा लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में डाउनलोड करेंगे, वो करेंगे PNG में, हम करेंगे PNG में डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड हो रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, हम अपना जाके हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट में हमें ये पूरा दिखा देगा। अभी हमारा सेव होकर गैलरी में चला जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट में भी दिखाऊंगा, गैलरी में भी दिखाऊंगा, कैसे आप YouTube पर कवर पेज बना सकते हैं। देखो जैसे हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में जाके, गैलरी में मेरी में सेव हो चुका है। अभी कैनवा द्वारा से खोल रहा हूँ मैं, कैनवा खोलने के बाद प्रोजेक्ट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मेरे ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद देखो अभी दिखाएगा मेरा, सबसे पहले देखो ये दिखा रहा है। अब इसको आप जैसे खोलोगे देखो क्या दिखाएगा, अभी अपडेट होके आएगा, आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं आ चुका है मेरा, ठीक है। अभी मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ, एक मिनट, गैलरी में जैसा मैंने अभी बनाया था आपका, वही आ गया कैनवा में। जैसे बहुत सारे वॉलपेपर बना रखे हैं, लेकिन ये कैनवा आपका आ चुका है।
जो अभी बनाया आपने। ओके धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके फायदे के लिए हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।